मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीतीश कुमार शर्म करो, दलित का अपमान करना बंद करो, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, महिलाओं का अपमान करना बंद करो, बिहार में लगे राष्ट्रपति शासन, बिहार में लागू हो राष्ट्रपति। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कल विधानसभा में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर बयानबाजी कर दी, उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। जीतन राम मांझी काफ़ी असहज दिख रहे थे, उनके चेहरे पर मायूसी जब वो बाहर निकले तब भी दिखी। आज भी विधानसभा के बाहर में, अंदर जो लॉबी होता है उस लॉबी के बाहर गेट पे ही जीतन राम मांझी और एनडीए गठबंधन के तमाम लोगों के साथ वो धरने प्रदर्शन पे बैठ गए थे। नीतीश कुमार से बार बार वो कह रहे थे कि माफ़ी मांगिए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने एनडीए गठबंधन ये सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि एक पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक दलित नेता का अपमान नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, नीतीश कुमार ने एक दलित नेता का अपमान कर दिया, जिसके बाद से अब कहीं ना कहीं जो मामला है वो बिगड़ गया। आज सदन का आखिरी दिन था और आखिरी दिन भी काफ़ी हंगामेदार दिन रहा, लेकिन जहां एक तरफ सदन के बाहर चर्चाएं इन तमाम चीज़ों की चल रही है, वहीं बाहर में भी हंगामा कम नहीं है। जो भाजपा के नेता हैं या फिर एनडीए गठबंधन के तमाम जो दल हैं, वो जीतन राम मांझी के साथ खड़े हैं और उन्होंने कह दिया कि जीतन राम मांझी का अपमान नहीं हुआ बल्कि एक दलित का अपमान हो गया। इसमें कृष्णा सिंह कल्लू हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो आज पहुंच गए थे भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास और वहां पर जाकर के जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ जो बयानबाजी की है उसकी तस्वीर जरा हम आपको दिखाते हैं। जरा देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से लोकतंत्र में वो कहते हैं कि महिला दलित के अपमान किया है, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास आज उन्होंने जाकर कहीं ना कहीं एक तरीके से कहे तो नीतीश कुमार की शिकायत जो है वो लेकर के पहुँचे हुए थे। कृष्णा सिंह कल्लू हैं, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। नीतीश कुमार शर्म करो, दलित का अपमान करना बंद करो, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, महिलाओं का अपमान करना बंद करो, बिहार में लगे राष्ट्रपति शासन, बिहार में लागू हो राष्ट्रपति। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लगातार लोकतंत्र के मंदिर बिहार विधानसभा और विधान परिषद में महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना, वहीं दूसरी ओर दलित पुत्र बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को लेकर जिस तरीके से अपमानित करने का कार्य किया, यह पूरी तरीके से दलित पुत्र और दलित परिवार के लोगों को अपमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। मुख्यमंत्री ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा जो बनाया गया था संविधान, नीतीश कुमार ने उसको धजिया उड़ाया। नीतीश कुमार लगातार यह कहते आ रहे हैं कि मैंने आपको मुख्यमंत्री बनाया, मैंने आपको उप मुख्यमंत्री बनाया। भैया, आप संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी की आप तौहीनी कर रहे हैं और यह कभी आपको माफ़ नहीं कर सकते हैं, माफ़ नहीं कर सकते हैं। बिहार में पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816700। धन्यवाद।